जम सीधी सारे नू आइए अज का वचन करने हैं शुरू। पहला सैमुएल 30 अध्याय और 18वीं आयत नू मैं पढ़ूंगा। और जो कुछ अमालेक के लिए ले गए थे वह सब दाविद छुड़ा लाया, और दाविद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे और हड्डा गल करे, और हड्डी सारे दी कमी घटिया परमेश्वर अपने वचन के नाल पूरा करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं और चलाएं, और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। वचन प्रभु जी 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें, लोग एंकरेज हो सके, प्रभु यीशु मसीह को जान सके, प्रभु जी इस विषय में सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दाविद ने अपना सब कुछ वापस पा लिया। दाविद का जो कुछ लुट गया हीगा, दाविद ने अपना सब कुछ वापस पा लिया। परमेश्वर ने दाविद नू सब कुछ उदा वापस कर दिता। ओ भैन और भ्राओ, दाविद ने अपनी पत्नी नू वापस पा लिया, दाविद ने अपने बच्चों नू वापस पा लिया, दाविद ने 600 सैनिकों के परिवार नू भी वापस पा लिया। पर परमेश्वर ने दाविद नू वापस कितना किता, ओ भैन और भ्राओ, पर दाविद ने क्यों अपना सब कुछ खो दिता है? क्योंकि जदों दाविद अपनी सोच दे नाल चलिया उदों उहदा सब कुछ लुटिया गया, पर जदों वापस परमेश्वर ने किता उदों दाविद परमेश्वर दे सामने आके गोडे टेक के प्रार्थना की और सब कुछ वापस परमेश्वर ने दे दिता। परमेश्वर ने दाविद नू चुनिया। आज परमेश्वर हानू सारे नू एक सवाल पूछन दिया वा, परमेश्वर ने तानू चुनिया वा, मैनू चुनिया वा। जदों परमेश्वर कहता चुनाव करता वा, तो इंसान दे अंदर की चीज़ नू वेख के चुनाव करता वागा? परमेश्वर ने यहो जी केड़ी चीज़ वेखी साडे विच कि परमेश्वर ने हानू चुनिया वा? परमेश्वर ने दाविद दे विच की वेख्या हैगा कि दाविद नू परमेश्वर ने चुनिया? वो तो भेडा का रखवाला हैगा, पर परमेश्वर दे वचन विच परमेश्वर ने खुद इस चीज़ की गवाही दिती आ कि दाविद मेरे मन के अनुसार आ। यानी कि परमेश्वर कहिंदा वा कि दाविद मेरे मन के अनुसार आगा, पर परमेश्वर का मन कितना दा वा? परमेश्वर का मन तो दयालु वा, परमेश्वर का मन तो कृपालु वा, परमेश्वर तो मलम पट्टी करने वाला वा, परमेश्वर तो प्यार करने वाला वा, परमेश्वर क्षमा करने वाला वा। तो जो परमेश्वर ने आख्या कि दाविद मेरे मन के अनुसार आ, तो जाहिर सी गल आ कि दाविद दे विच भी यहोजे गुण होने ही चाहिए है। ओ भैन और भ्राओ, अं जो वचन 30 अध्याय नू जो अं पढ़ने तो वेखने कि अमालेकिए आए, युद्ध किया उन्होंने, जिथे दाविद का दल रहिंदा हैगा, यानी कि दाविद का परिवार और 600 सैनिकों का परिवार जिथे रहिंदा है उत्थे युद्ध होया, हमला होया, शत्रु आए और दुश्मन आए, और अमालेकिए आके उत्थे युद्ध किया उन्होंने, और उन्होंने जिन्ने भी घर ही फूक दिते, उन्होंने बीवी और बच्चों गुलाम बना के लैके चल गए दुश्मन, यानी कि अमालेकिए। यानी अमालेकिए ने आके युद्ध किया दाविद के दल के उत्ते, दाविद की पत्नी और बच्चों और सैनिकों के परिवार को सारियां वो बंदी गृह में लैके चल गए। ओ भैन और भ्राओ, पर जो गए उन्हां विचों एक इंसान, यानी कि जिहड़े दुश्मन की औरतों ही, वह इंसान बीमार हो गया और उन्हां दे नाल नहीं चल सकिया, तो अमालेकिए ने की किया उन्हूं उत्थे ही छड़ दिता। ओ भैन और भ्राओ, पर जो दाविद आया वापस और दाविद ने आके वेख्या कि मेरे बीवी और बच्चों गुलाम बना के लैके चल गए आ गए, और मेरे 600 सैनिकों के परिवारों नू भी गुलाम बना के लैके चल गए, हाडा सोना और चांदी नू भी सब कुछ लैके चल गए, तो दाविद नू उस टाइम पर की करना चाहिए हैगा? उहदे सामने एक दुश्मन ही बीमार हैगा, पिया हैगा, और जाहिर सी गल आ कि जे हाडे परिवार का कोई नुकसान करता वा तो सानू इन्ना गुस्सा आता वा, वह इंसान के उत्ते तो अं उहदे उत्ते हमला कर दिंदे आ। अहीं इह नहीं वेखदे कि वह बेसहारा वा, अहीं इह नहीं वेखदे कि वह बीमार आ, अहीं इह नहीं वेखदे कि वह कमज़ोर आ,
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਔਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਵਿਦ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ। ਦਾਵਿਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਦਾਵਿਦ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਪਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸ਼ਤਰੂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਦਾਵਿਦ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਦਾਵਿਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਦਾਵਿਦ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਦਾਵਿਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਪਰ ਦਾਵਿਦ ਨੇ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਦਾਵਿਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਵਿਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਦਾਵਿਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਦਇਆਲੂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰੁਣਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੁਣਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਬੰਨਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦਾਵਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਾਵਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਦਾਵਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਦਾਵਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਾਵਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵਿਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਵਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹਾਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਨੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਨੇ ਹੈਗੇ? ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਾਵਿਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਦਾਵਿਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਵਿਖਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਲੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਹਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਨਿਕ ਰਹਿਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਨਿਕ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਪਰ ਦਾਵਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ 600 ਸੈਨਿਕ, ਔਰ 600 ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂਗੇ, ਦਾਵਿਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਦਾਵਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 400 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਦਾਵਿਦ ਗਿਆ 400 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਔਰ ਬੱਚੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, 600 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਾਵਿਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਦਾਵਿਦ 600 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦਾਵਿਦ 400 ਸੈਨਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦਾਵਿਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਵਿਦ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦਾਵਿਦ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ, ਫਿਰ ਦਾਵਿਦ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ 400 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, 600 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦਾਵਿਦ, ਪਰ 200 ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ 400 ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦਾਵਿਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਂਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਵਿਦ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਦਾਵਿਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾਵਿਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
परमेश्वर दे उत्ते सिर्फ विश्वास करके वह गया युद्ध करन वास्ते। ओ भैण और भराओ, जो अं अपनी सोच के नाल चलने कि शां तो अं हरा देंगे, तो भैण और भराओ आखिरी की हों हार जाएंगे। पर जे अं परमेश्वर के उत्ते विश्वास करके जावे तो फिर परमेश्वर साढ़े नाल रह के लड़ता भी आ, जित भी दिलाता वा। परमेश्वर दाविद के नाल ही गा, दाविद नू जित दिलाई परमेश्वर ने। वो भैण और भराओ, दाविद युद्ध करके वापस आया, अपने बीवी और अपने बच्चियां और अपने 600 सैनिकों भी वापस लैके आ गया। दाविद ने जो कुछ भी उन्होंने लुट के लै गया, सोना चांदी सब कुछ वापस लैके आ गया। और दाविद ने कहा अपने सैनिकों कि जड़ा ये लुट के लिया वा ये सोना चांदी ये साढ़े नाल जिन्हें लोग आ सारे वंड दे। पर 400 सैनिक जोड़े युद्ध में आए हे दाविद के नाल, वो दाविद नूं आंदे कि नहीं अही नहीं दे सकते, अही वो 200 लोगों नहीं देना जोड़े आते ही थक गए हैं, अही नहीं आना युद्ध करने वास्ते। 400 लोगों ने आख्या कि यदा जी लुट करके अं लैके आए, ये सिर्फ साडा अधिकार हैगा, अही सिर्फ ये सोना चांदी लवेंगे, वो 200 लोगों नहीं देना। वो भैन और भाओ, पर दाविद आंदा वा गा अज जिहड़ा अं युद्ध किया वा, अं अपनी तलवार के बल दे नहीं किया, अं 400 सैनिक हाँ इस करके वो बल दे नाल नहीं अं जिते, अं युद्ध जिते अज क्योंकि परमेश्वर ने युद्ध में सानू जित दिलाई आ। क्योंकि परमेश्वर आंदा हैगा युद्ध करन वास्ते जा, मैं तेरे नाल आ। अज जे अं जिते हाँ तो परमेश्वर की जित आ, क्योंकि परमेश्वर साढ़े नाल रह के लड़िया ही, इस करके दुश्मन हारिया वा, इस करके जिन्ना भी अं लुट के लैके आए हाँ ये उत्ते हाडा सारिया का अधिकार आ। जेडे 200 जेडे थक गए ही, जेडे आंदे ही अं नहीं आ सकते, उन्हां दा भी अधिकार आ। और जेडे साडे नाल युद्ध करन वास्ते आए ही 400 सैनिक, उन्हां दा भी ये सोना और चांदी दे उत्ते अधिकार आ। ओ भैण और भराओ, दाविद दा सुभाव कितना दा हैगा, दाविद दा सुभाव हैगा कि जो कुछ अं लुट के लिया हाँ वह सारिया के वंडिया जाए, भाएं जेडे मेरे नाल उन्होंने भी दिता जाए, जेडे मेरे नाल नहीं आए उन्होंने भी दाविद ने सम्मान यानी कि बराबर बराबर का सारियां वंड दिता। ओ भैणो भराओ, परमेश्वर के वचन में लिखा वा कि परमेश्वर आंदा वा कि दाविद मेरे मन के अनुसार आ, इस करके मैं दाविद नूं चुनिया वा। परमेश्वर का सुभाव हैगा दाविद के अंदर, इस करके जो कुछ भी लुट के लैके आया है वह अपने 400 सैनिकों भी दिता वा जेडे वो आए हैगे, और 200 सैनिकों भी दिता वा जेडे वो नहीं ही आए। ओ भैण और भराओ, पर दुनियादारी के नेते किस तरह के होंगे आ, जे कोई उन्होंने चीज़ मिली है लुट माल करके आए तो पहले उन्होंने आखना कि अं अपने घर रख लें, जोड़ा बचिया वा वो थोड़े लोगों को दे दें जोड़े सानू पसंद आ, जोड़े साढ़े नाल चले है, जोड़े साढ़े नाल चले नहीं आ उन्होंने नहीं देंगे। ओ भैण और भराओ, ये दुनियादारी का स्वभाव वा, दुनिया के नेता का स्वभाव वा। पर परमेश्वर के लोगों का जोड़ा स्वभाव हों वो किस तरह का हों वा, प्यार दे नाल भरिया हों वा, वह दुश्मन के उत्ते भी दया करता वा, दुश्मन नू भी रोटी खवालदा वा गा, और दुश्मन की बीमारी का फायदा नहीं का चुकता, दुश्मन का इलाज करवा वा। और जो कि जाए युद्ध करके जित के आए उदो सारे दुश्मनों भी दिता वा, और अपने लोगों भी दिता वा, और अपने सारे जोड़े नाल नहीं आ उन्होंने भी दिता वा। वो भैन भरा, एक सच्चा परमेश्वर का दास दाविद ने सारियां नूं एक समान वेख्या, जिहड़े उहदे नाल ही नाल आए ही युद्ध करन वास्ते उन्हां नूं भी उहने बराबर दिता, और जिहड़े उहदे नाल नहीं आए ही उन्हां नूं भी दाविद ने बराबर दिता। ओ भैण और भराओ, परमेश्वर ने दाविद नूं क्यों चुनिया हैगा, क्योंकि परमेश्वर ने दाविद, परमेश्वर आंदा है कि दाविद मेरे मन दे अनुसार आ। ओ भैण और भराओ, परमेश्वर का मन किस तरह का है, प्यार दे नाल भरिया वा, कृपा दे नाल भरिया वा, दया दे नाल भरिया वा, माफ़ करन वाला सुभाव परमेश्वर का वा, सारियां नूं इक्को नज़र नाल परमेश्वर वेंदा वा, पापियां नूं भी और चंगियां नूं भी। ओ भैण और भराओ, जदों मीह वरदा वा तो पापियां दे उत्ते वरदा वा और चंगे लोगों के उत्ते भी वरदा वा, जदों धुप चढ़दी आ तो चंगे लोगों के उत्ते भी पैंदी आ धुप और बुरियां लोगों के भी पैंदी आ।
ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਇਹ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਦਾਵਿਦ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਾਵਿਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਦਾਵਿਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਪਸ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਪਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ।